हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज क्विक लॉ कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एविडेंस एक्ट 1872 और उसका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करेंगे एविडेंस एक्ट 1872 के जो पार्ट थ्री में दिया गया है, चैप्टर नाइन में दिया हुआ है प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे कि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है क्या और इसका एविडेंस लेते समय एविडेंस एक्ट में ये क्यों दिया गया है और जब हम एविडेंस लेते हैं, कोई ट्रायल चलती है कोर्ट में, तो इसका क्या बेनिफिट है, क्यों इसे एक्ट में रखा गया है। चलते हैं, पर उससे पहले थोड़ा एविडेंस एक्ट के बारे में जान लेते हैं कि एविडेंस एक्ट है क्या, लॉ ऑफ एविडेंस है क्या। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन इज इन्फोर्समेंट ऑफ सम राइट और लाइबिलिटी विच इनवेरिएबली डिपेंड अपॉन द सर्टेन फैक्ट। कोई भी हम जब जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते, उसका कुछ एक मोटिव होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? या तो किसी का राइट एस्टेब्लिश करने आता है, तो किसी की लाइबिलिटी डिसाइड करनी होती है जो कि कुछ फैक्ट पर डिपेंड करती है। ये किसी भी जुडिशियल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का ही मोटिव होता है। तो लॉ ऑफ एविडेंस इज अ सिस्टम ऑफ रूल फॉर असेटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट इन जुडिशियल इंक्वायरी। ये लॉ ऑफ एविडेंस वो रूल्स देते हैं जिससे हम की जो कॉन्ट्रोवर्सी जो इशू इन फैक्ट फैक्ट है या मैटर इन इशू है, उसको हम कैसे एसरटेन करते हैं कि क्या अगर हुआ है कि नहीं हुआ है, जिस पे हमारा राइट और लाइबिलिटी डिपेंड करता है, वो है लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस इज अ बेसिकली ये प्रोसीजरल लॉ और एग्जेक्टिव लॉ एंड डज नॉट अफेक्ट एनी सब्सटेंसिव राइट ऑफ द पार्टी। ये क्या होता है, प्रोसीजर लॉ क्या होता है? इट मेनली डील विद द प्रोसीजर रूल टू रीच द लीगल गोल। ये कोई सब्सटेंटिव राइट किसी का खराब नहीं करता। जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो लॉ होते हैं जो एक्चुअली में राइट क्रिएट करते हैं एक इंसान के अंदर, पर जो प्रोसीजर लॉ होते हैं, एग्जेक्टिव लॉ होते हैं, वो उस राइट तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं कि हम कैसे उस राइट तक पहुंचेंगे, कैसे जो जुडिशियल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का जो मेन मोटिव है राइट और लाइबिलिटी असेंटेन करना किसी फैक्ट पर डिपेंड, जो कि किसी न किसी फैक्ट पर डिपेंड है, वो हम कैसे अचीव करेंगे, तो लॉ ऑफ एविडेंस के रूल से करेंगे। तो वर्ड एविडेंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एविडेंट और एविडे विच मीन्स टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर क्लियरली, टू असर्टेन, टू प्रूव। द ऑब्जेक्ट ऑफ रूल ऑफ एविडेंस इज टू हेल्प द कोर्ट टू असर्टेन द ट्रूथ, टू प्रिवेंट द लॉन्ग इंक्वायरीज, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ जज विच मे बी रिजल्ट फ्रॉम द एडमिशन ऑफ एविडेंस इन एक्सेस। सो मेन वो ऑब्जेक्टिव क्या है रूल एविडेंस है कि कोर्ट को हम हेल्प कर सके। अभी बताया मैंने कि प्रोसीजर लॉ है, तो मेन ऑब्जेक्ट जो है लॉ ऑफ एविडेंस है कि वो कोर्ट को हेल्प कर सके ट्रूथ जानने में, जो उसके सामने की इंक्वायरी बहुत लॉन्ग ना हो और जो जज के माइंड में कंफ्यूजन हो रही है कैसे उसे दूर करेंगे। बहुत सारे अगर कोई रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी लगे डॉक्यूमेंट्स दे देगा कि ये एविडेंस में ले लो, ये रूल है, ये रूल नहीं है, आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा तो आपको ये भी लेना पड़ेगा। तो जो रूल ऑफ एविडेंस है वो सर्टेन प्रिंसिपल बताता है, प्रोसीजर बताता है कि किसी भी राइट तक या लाइबिलिटी तक जाने के लिए ये रूल फॉलो करेंगे, ये जो मटेरियल है एविडेंस है वो ये एडमिसिबल होंगे और ये एडमिसिबल नहीं होंगे, ये रेलिवेंट है और ये रेलिवेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रूल ऑफ एविडेंस में बताई जाती है, लॉ ऑफ एविडेंस में बताई जाती है। दे आर थ्री प्रिंसिपल अंडर विच लॉ ऑफ एविडेंस डिपेंड्स, दैट इज एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। ये नहीं कि आप किसी भी टॉपिक का कोई भी इंक्वायरी चल रही है जुडिशियल इंक्वायरी तो आप कैसे भी दे देंगे कि कोई भी चीज़ पे किसी फैक्ट पे एविडेंस दे देंगे, नहीं। जो मैटर इन इशू है, जो फैक्ट इन इशू है, जिस बात पे कंट्रोवर्सी है, सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं का एविडेंस देते हैं, या तो फिर जो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं मेन मैटर इन इशू में कनेक्टेड, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का देते हैं। ऐसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। ये तीन प्रिंसिपल है जिस पे ये डिपेंड करता है। अ जज कैन नॉट एब्सोल्युटली रिलाई ऑन द रूल ऑफ एविडेंस, नो रूल ऑफ एविडेंस
कैन गाइड द जज ऑन द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ वॉट एवर वेदर एविडेंस इज टू रेलिवेंट फैक्ट शुड बी बिलीव्ड और नॉट एंड इफ इट बिलीव्ड वॉट इन्फ्लुएंस टू बी ड्रॉन फ्रॉम इट एज टू द मेन फैक्ट. अब देखिए कीपर, मैंने अभी बताया आपको कि ये रूल ऑफ लॉ है, एविडेंस है, ये एक प्रोसीजर लॉ है. तो जज इन पे एब्सोल्युटली रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ ये जैसा कह रहे वैसा ही. जज को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ये जो मैटर इन फैक्ट है ये रेलिवेंट फैक्ट है, इसका एविडेंस लिया जाए कि नहीं लिया जाए, ये जज डिसाइड करेगा, रूल ऑफ एविडेंस डिसाइड नहीं करेगा. और अगर हम रिलाई करते भी हैं तो क्या इन्फ्लुएंस निकाला जाए, इससे क्या रिजल्ट निकाला जाए, तो ये सब है वो जज को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस वो किया, अपना एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है इशू में, और अपन ह्यूमन नेचर की कैसे इसका इस सर्कमस्टेंसेस का एविडेंस देना सही है, इसका नहीं है, इस ये मैटर रेलिवेंट है कि नहीं, ये मैटर इन इशू है कि नहीं. और जो रूल ऑफ एविडेंस है वो आर्टिफिशियल रूल है, आर्टिफिशियल रूल है, ये कोई नेचुरल रूल नहीं, ये बनाए गए हैं. ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं अलग अलग, जब ये कॉडिफाई नहीं हुआ था 1872 में तो उस वक्त बहुत सारे अलग अलग रूल थे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे. तब ब्रिटिश राज में ये एक्ट को लाया गया, कॉडिफाई किया गया कि एटलीस्ट हमें हमारे पास एक यूनिफॉर्म रूल ऑफ सेट होना चाहिए एविडेंस को लेके कि क्या एडमिसिबल है क्या नहीं है, रेलिवेंट फैक्ट्स है कि नहीं है. तो जे एफ स्टेफन मेल उनकी वजह से ये कॉडिफाई हुआ लॉ ऑफ एविडेंस 1872 में, और इट केम ऑन फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872. तो इंडियन एविडेंस एक्ट applies to all judicial proceeding in or before any court including court martial but not to affidavit presented to any court or officer or nor to proceeding before an arbitrator. law of evidence jo hai wo har kisi proceeding ke judicial proceeding mein use kiya jata hai, even court martial mein kiya jata hai except few, but jo affidavit court ko di jati hai, कोर्ट के ऑफिसर को दी जाती है, और आर्बिट्रेशन होता है. अभी तो ऑब्वियसली बात है आर्बिट्रेशन जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसॉल्विंग सिस्टम है तो उसमें ऑब्वियसली जुडिशियल प्रोसीजर के थ्रू तो हम नहीं जाएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते. आर्बिट्रेशन में अपने ये रूल्स हैं, जैसे दोनों पार्टी की अपनी मर्जी होती है वो जैसे चाहे एक आर्बिट्रेटर सेलेक्ट कर लें और अपने प्रोसीडिंग करवाएं आगे. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप तो थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ एविडेंस और इंडियन एविडेंस एक्ट. तो चलते हैं आगे, तो चलते हैं आगे जो हमारा आज का मेन टॉपिक है डिस्कशन का वीडियो में, व्हाट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. ये टॉपिक जो है वो एग्जाम में बहुत बार आता है. मैं भी फिर से बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, जो भी टॉपिक्स लेके आती हूँ, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भले वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो. और ये व्हाट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में लॉ ऑफ एविडेंस में. तो क्या है, दे आर सर्टेन मैटर विच ए विटनेस कैन नॉट इधर बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज और इवन इफ विटनेस इज विलिंग टू डिस्क्लोज ही विल नॉट बी परमिटेड टू डू सो. क्यों, सच मैटर आर नोन एज प्रिविलेज कम्युनिकेशन. द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेशन इज आदर प्रिविलेज्ड फ्रॉम डिस्क्लोजर और प्रोहिबिटेड फ्रॉम बींग डिस्क्लोज्ड एज अ मैटर ऑफ public policy or on the ground that the interest of state is supreme and overrides that of an individual. So, privileged communication क्या है, जैसे कुछ मैटर होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन होते हैं जो हम विटनेस को, जनरल रूल तो ये है कि जो भी विटनेस से पूछा जितनी भी उसकी नॉलेज में उसे सब कुछ बताना चाहिए कोर्ट में, सब कुछ. पर कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं जिसे कोर्ट कंपेल नहीं कर सकते डिस्क्लोज करने के. और इफ अगर विटनेस खुद भी चाह रहा है कि मैं डिस्क्लोज कर दूं, मैं बोल दूं, तो वो नहीं बोलते हैं, वो कोर्ट अलाउ नहीं करती है. और इसी कम्युनिकेशन को जो नहीं डिस्क्लोज किया जाता है ओपन कोर्ट में, या विटनेस को नहीं कहा जाता करने के लिए, जो नहीं रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है एविडेंस में, तो उसे कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. ये बेस्ड है, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन का एक रूल बनाया, क्यों एक्सेप्शन बनाया, इट इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी. कुछ ऐसे मैटर होते हैं कम्युनिकेशन में जो पब्लिक पॉलिसी में नहीं खोलने चाहिए और ऑन द ग्राउंड दैट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इज सुप्रीम एंड ओवरराइड दैट ऑफ ए इंडिविजुअल. इसका क्या मतलब है कि कुछ कुछ जो स्टेट के जो
डॉक्यूमेंट्स है, कम्युनिकेशन है, वो सही नहीं होता। अगर उसे जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया जाए तो वो सही नहीं होता है। इसीलिए इंटरेस्ट जो स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो अगर स्टेट का सही रहेगा तो फिर पब्लिक का भी सही रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सुप्रीम है उनका इंटरेस्ट, और जो इंडिविजुअल का राइट है उसे वो सुपरसीड करता है, उसे वो ओवरराइड करता है। ये प्रिविलेज कॉमिस दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। रूल रिलेटिंग टू प्रिविलेज कम्युनिकेशन कंटेंट अंडर सेक्शन 122 से लेकर सेक्शन 129 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए देखते हैं सेक्शन 122 में क्या है। 122 इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सेक्शन ये कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज ये है, हस्बैंड और वाइफ के बीच जो भी कम्युनिकेशन हुई है मैरिज के दौरान, जब तक उनकी मैरिज सब्सिस्टेंस थी, मतलब जब तक उनकी थी, वैलिड थी, मतलब ना उससे पहले ना उसके बाद, ड्यूरिंग द मैरिज, मतलब 10 साल की मैरिज है तो 10 साल, 20 साल की मैरिज तो 20 साल, तो उन जो कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच हुई वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, वो कभी भी कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो चलते सेक्शन 122 क्या कहता है। ए पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम और हर ड्यूरिंग मैरिज बाई एनी पर्सन टू हूम ही और शी इज और हैज बीन मैरिड, नॉर विल सच कम्युनिकेशन बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग थ्री एक्सेप्शन। थ्री एक्सेप्शन क्या है? अब ये कह रहा है, सेक्शन 122 कह रहा है कि नहीं, अब नहीं कर सकते हो। जब शादी के कोई भी एक पर्सन जब जब वो जाता है एज ए विटनेस, और किसी पर्सन की शादी हुई है, और जो भी कम्युनिकेशन दोनों के बीच हुई और वो उस इंसान से मैरिड है, तो जो भी कम्युनिकेशन के बीच में हुई है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। ऐसे तीन एक्सेप्शन दिए गए हैं। तीन एक्सेप्शन दिए गए हैं, क्या है? इफ द पर्सन हु मेड इट और इज और रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट कंसेंट कंसेंट इन द सूट बिटवीन मैरिड पर्सन इन प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अनदर। प्रोटेक्शन इज एक्सटेंडेड टू ऑल द कम्युनिकेशन ऑफ वॉट एवर नेचर। सेक्शन 122 प्रिवेंट्स कम्युनिकेशन बिटवीन ए मैन और एंड हिज वाइफ फ्रॉम बींग डिस्क्लोज। दिस सेक्शन रेस्ड ऑन द ऑब्वियस ग्राउंड दैट एडमिशन ऑफ सच टेस्टिमनी वुड हैव पावरफुल टेंडेंसी टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ द फैमिली। डोमेस्टिक हार्मोनी को बचाने के लिए ये प्रिंसिपल फॉलो किया कि अगर जो भी कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हुई है वो कभी भी डिस्क्लोज ना की जाए ओपन कोर्ट में, क्योंकि वो फैमिली की पीस डिस्टर्ब करे। सिर्फ हस्बैंड वाइफ की शादी तो नहीं होती है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, और कल को अगर चीज़ें नहीं सक्सेसफुली और उन्हें साथ में भी रहना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर चीज़ें डिस्क्लोज इस तरीके से। तो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बनाए बनाए रखने के लिए, पीस इन फैमिली बनाने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक पॉलिसी में इनके कम्युनिकेशन को प्रिविलेज दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है। द प्रोटेक्शन इज नॉट फाउंड कन्फाइंड टू केसेस वेयर द कम्युनिकेशन आर टू बी गिवेन इन द एविडेंस इज ऑफ स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर, बट द सील ऑफ लॉ इज प्लेस अपॉन ऑल द कम्युनिकेशन ऑफ वॉट एवर नेचर विच पास बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अभी बताया मैंने, प्रोटेक्शन इज एक्सटेंडेड टू ऑल द कम्युनिकेशन ऑफ वॉट एवर नेचर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। The protection is limited to such matter as have been communicated during the marriage. Such communication remain protected even after dissolution of marriage or even one spouse dies. But those made either before or after of dissolution are not protected. देखिए, जो भी communication during the marriage हुई है वो protected है, otherwise जो शादी से पहले दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुई और या शादी के बाद जो कम्युनिकेशन दोनों के बीच हुआ वो प्रोटेक्टेड नहीं है। वो आराम से आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, जब आप विटनेस तरह से जाते हैं कोर्ट में किसी जुडिशियल इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन, आराम से आप डिस्क्लोज कर सकते हैं और परमिटेड भी है, और आप नहीं करना चाहेंगे तो कोर्ट आपको कंपेल भी कर सकती है। पर जो ड्यूरिंग द मैरिज हुई है सब्सटेंस, जैसे कि आपकी शादी 1 जनवरी 2018 से हुई, 31 दिसंबर 2020 तक है आपकी शादी,
तो ये 2 सालों में जो भी कम्युनिकेशन हुआ वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। जो 1 जनवरी 2018 से पहले किया आप दोनों के बीच में वो प्रिविलेज नहीं है, जो 31 दिसंबर 2020 के बाद जो कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में वो प्रिविलेज नहीं है। तो आई मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि एक एक्यूज है, वो अपने ट्रायल पे है, अपने नेबर को उसने जब मर्डर किया उसके गहने चुराने के लिए, तो जब बीवी ने उनसे कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ज्वेलरीज ला के दिया और कहा कि मैं दूसरे वाले फ्लोर पे गया था जहाँ पे वो डिजीज सो रहा था, और मैंने वो ऑर्नामेंट्स गहने वहां से लाई हैं। के बाद अब उसकी वाइफ कहती है कोर्ट को कि मैंने देखा कि एक सुबह उसका जो हस्बैंड है वो छत पे से आ रहा है, वो रूम के अंदर गया जहाँ पे चारा रखा जाता है, और फिर उसने नहाया, उसने सारे कपड़े वापस से पहने और उसके बाद उसने लाके वो थिंग उसे दे दी। तो कोर्ट ने क्या कहा इस पे कि जो उसने कहा था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आके कहा कि मैं सेकंड फ्लोर पे गया था वहाँ पे मैंने वहाँ से ऑर्नामेंट लेके आया हूँ, उस बात को कहा कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन है और आप इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती। बस उसका कंडक्ट उसने बताया कि उसने देखा था, उससे कहा नहीं था, उसने देखा था उसकी वाइफ ने, डिपेंड मतलब अंतर है। जब उसने उससे कहा तो ये कम्युनिकेशन है कि मेरे उसके हस्बैंड ने उससे बात कही थी कि मैंने मर्डर किया, मैं ज्वेलरी लेके आया, मैं सेकंड फ्लोर पे गया था, वहां से मैं गहने लेके आया और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है कि उसने उससे कहा था। पर जो उसका कंडक्ट था, वाइफ ने कहा कि वो देखी कि अर्ली मॉर्निंग उसका हस्बैंड छत से आ रहा है, फिर वो चारा जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे गया, नहाया, उसने कपड़े वही वापस से पहले, उसके बाद आके उसको उसने गहने दिए, तो ये तो कंडक्ट है, ये उसने अपनी आंखों से देखा, ना कि उसने उसको कहा। तो ये जो कंडक्ट है ये प्रिविलेज नहीं है, और इसके लिए वाइफ जो है कोर्ट में जस्टिफाई कर सकती है। अब कंसेंट, पहला एक्सेप्शन है कि वेवर ऑफ प्रिविलेज, उसमें जो जो जिस जिस हस्बैंड ने, जैसे कि हस्बैंड ने मुझसे कुछ कहा तो उसने मुझे कह दिया कि चलो तुम कह दो, मुझे कोई इशू नहीं है, कोर्ट में जाके तुम इसे डिस्क्लोज कर सकती हो, तो उस इस केस में आप जाके कोर्ट में ये बात डिस्क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, सूट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिटवीन द टू स्पाउसेस, टू मैरिड पर्सन एज द बेसिस ऑफ सेक्शन 122 इज टू प्रिजर्व म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। इट इज ऑब्वियस दैट सेक्शन डज नॉट अप्लाई व्हेन द स्पाउस आर रेंज्ड ऑन अपोजिट साइड। अब म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बचाने के लिए ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन लाया गया था, ये रूल लाया गया था, क्लॉज लाया गया था, जो कह लीजिए आप एविडेंस एक्ट में। पर दोनों ही अगर हस्बैंड वाइफ के बीच ही दुश्मनी चल रही है एक दूसरे से, तो कहाँ से म्यूचुअल कॉन्फिडेंस आप रखेंगे और क्यों रखेंगे, फिर उसका कोई मतलब भी नहीं हो जाता है। तो उस केस में कोर्ट अलाउ कर देती है कि आप डिस्क्लोज करें, जो भी डिस्क्लोज कर सकते हैं जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच ड्यूरिंग द मैरिज हुई। तीसरा है, इन प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही हो और आपका हस्बैंड या वाइफ ही आपके आपके अगेंस्ट में वो कमिट, आपके ही अगेंस्ट में कैसे क्वारंटी हो गया, उसमें आपको ये सब बातें कहनी पड़ती हैं। एक और एक्सेप्शन है, प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन बाय थर्ड पर्सन, कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन बिटवीन हस्बैंड वाइफ टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पर्सन और व्हेन ओवरहर्ड बाय थर्ड पर्सन कैन बी टेस्टिफाई टू बाय द थर्ड पर्सन without putting any of the spouse in witness box, and this is so because privilege under section 122 is that of the party to the marriage and not of the other. अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ husband wife के बीच की जो communication है during the marriage वही privilege है, कोई third person अगर सुन लेता है या फिर आपके आप वहीं पे मौजूद और हस्बैंड वाइफ के बीच कम्युनिकेशन है तो आप जस्टिफाई बिल्कुल कर सकते हैं विटनेस बनके, उसमें कोई रोक नहीं है और आपको कंपेल भी किया जा सकता है कि आपको कहना ही पड़ेगा, जो हुआ आपको बताना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक करस्पॉन्डिंग लेटर कंटेनिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ और वाइस वर्सा फॉल्स इन टू द हैंड ऑफ ए थर्ड पर्सन, इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस एज द लेटर दैट डिस्क्लोज एंड नॉट ए स्पाउस। समझ में आ गया कि अगर कोई लेटर आपको हस्बैंड ने अपनी वाइफ को भेजा है, वाइफ ने अपने हस्बैंड को भेजा और इन ट्रांजिशन में वो लेटर जो है किसी और के हाथ लग जाता है, तो
तो वो फिर एविडेंस में एडमिसिबल है, आप उसे टेस्टिफाई करा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो लेटर के थ्रू आपको बात पता चली है कोर्ट को, ना कि स्पाउस ने बताई है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है एमसी वर्गीज वर्से टीजे पुनान 1970 का। इस केस में क्या हुआ था कि लीडिंग केस है ये, द हस्बैंड रोट सर्टेन लेटर्स टू द वाइफ विच कंटेन डिफेमेटरी इम्प्यूटेशन अबाउट हिज वाइफ्स फादर। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेटर भेजता और अपने ससुर के बारे में, वाइफ के हस्बैंड के बारे में डिफेमेटरी इम्प्यूटेशन, मतलब गलत गलत इल्जाम लगाता है उन पे। और हिज फादर इन लॉ ब्रॉट ए सूट ऑन एविडेंस ऑफ दिस लेटर, और जो उनके ससुर थे हस्बैंड के, वो केस केस कर देते हैं कोर्ट में। तो वाइफ जो वाइफ थी शी पास लेटर ऑन द लेटर टू हर फादर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि लेटर आर एडमिसिबल इन एविडेंस, इट ऑल्सो सेज दैट एक्सेप्ट वेयर द स्पाउस टू हिम कम्युनिकेशन मेड इज अ विटनेस एंड क्लेम प्रिविलेज द एविडेंस एज टू द कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट और ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब क्या करती है कि एक हस्बैंड रहता है, उसने अपनी वाइफ को लेटर भेजाता है, अपने ससुर के बारे में बुरी बुरी बातें कही रहती है, तो वाइफ क्या करती है अपने पापा को जाके वो लेटर दे देती है, और जो उनके ससुर रहते हैं वो कोर्ट में जाके केस करे। तो हस्बैंड ने प्ली लिया रहता है कि ये तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है हस्बैंड एंड वाइफ की है, पर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये जब थर्ड पर्सन के पास चली गई, किसी भी तरीके से चली गई, तो ये एडमिसिबल है एविडेंस में, और इस केस में हस्बैंड को जो भी होता है सजा मिलती है मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है। एक दूसरा केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस डोनेगे 1899। इसमें क्या था, लेटर कंटेनिंग कम्युनिकेशन बाय अक्यूज्ड टू हिज वाइफ वाज सीज ड्यूरिंग द सर्च ऑफ हाउस इन द प्रेजेंस ऑफ वाइफ। द लेटर वाज हेल्ड एडमिसिबल फॉर ही हैड नॉट पुट लेटर इनटू द हैंड ऑफ अथॉरिटी। अब इसी में है कि इस केस में क्या है कि जब हस्बैंड एक्यूज होता है तो पुलिस घर आती है, घर की तलाशी लेती है। जब घर की तलाशी लेती है तो उन्हें कुछ लेटर्स मिलते हैं जो हस्बैंड ने, एक्यूज हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लिखा होता है, और वो जाके कोर्ट में लोग पेश कर देते हैं। तो ये तो जब उन्होंने क्लेम किया कि वाइफ ने की तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, तो कोर्ट ने कहा कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, तुमने थोड़ी ना लाके दिया अथॉरिटी को कि ये लीजिए लेटर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है, आपने तो ये तो सर्च के दौरान मिली है आपको। वो जब सीज सर्च करने आए तो उन्होंने लिया, उन्हें लेटर मिली, तो आपने नहीं दिया। ये तभी वैलिड है जब हस्बैंड दे या वाइफ, एक स्पाउस दे दूसरे स्पाउस के अगेंस्ट, तभी वैलिड है। अदरवाइज प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन के पास से आती है तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि ए कन्फेशन वॉज मेड बाय अ मैन टू हिज वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन। द कोर्ट अलाउड द कन्फेशन टू बी प्रूव थ्रू दो अदर पर्सन। अब आप बताइए कि जब जो हस्बैंड है अगर वो किसी तीसरे पर्सन के पास में जाके, जब उसकी वाइफ है और कोई तीसरा इंसान भी वहाँ मौजूद है, तब कन्फेशन करता है कि देखो मैंने ये क्राइम कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझसे गलती हो गई, जो भी कन्फेशन है उसका, जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो तीसरे इंसान के पास करता, उसकी मौजूदगी में करता है, जो वो तीसरा इंसान है, नॉट स्पाउस, जो बीवी है वो नहीं करेगी या हस्बैंड वो नहीं करेगा, जो वो तीसरा पर्सन है वो टेस्टिफाई कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है, और कोर्ट उसको कंपेल भी कर सकती है कि तुम वहाँ मौजूद थे तो क्या क्या हो, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ तो नहीं है। तो ये जो रूल है, ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन है, वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज हुई है, जो बस वही प्रोटेक्टेड है, अदरवाइज नहीं प्रोटेक्टेड है। आप जब चाहें जो चाहें बता सकते हैं कोर्ट को, अगर आपको गलत लग रहा है तो आपके एक्सेप्शन भी बता दिए गए हैं कि कौन किस किस केस में आप कंपेल किए जा सकते हैं और कह सकते हैं जाके। चलिए दूसरे प्रिविलेज कम्युनिकेशन पे चलते हैं कि दूसरा सेक्शन 123 में क्या दिया है। तो एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, सेक्शन 123 कहता है कि नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव फ्रॉम अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ ऑफिसर एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न हु विल गिव और विथहोल्ड सच परमिशन एज ए थिंग फिट। ये कहता है कि कोई भी पर्सन है जो
उसे अलाउड नहीं, परमिशन नहीं दी जाएगी कि जो अनऑफिशियल जो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिन्हें पब्लिश गैजेट में नहीं किया गया है, जो कि रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ स्टेट। अभी अफेयर स्टेट का तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनके कुछ ऑफिशियल गैजेट में रिकॉर्ड्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं जिन्हें वो पब्लिश नहीं करते, पर उन पे काम वो करते हैं। तो ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि कोई भी इंसान को परमिशन नहीं दे सकती है जो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड है रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ द स्टेट टू आप उसे विटनेस में क्या कहते हैं कि एडमिसिबल इन एविडेंस, आप उसे जो आप विटनेस बने तो आप उसे उसको प्रूफ करें, एक्सेप्ट कि जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी मानी होम मिनिस्ट्री उसकी कोई डिपार्टमेंट है या फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसका परमिशन लेंगे और वो ही तो ओनली पर्सन हु विल डिसाइड कि परमिशन देनी है कि नहीं देनी। अगर वो उसे लगेगा कि नहीं चलो दे सकते हैं कि तुम एडमिशन तुम अभी एविडेंस में से पेश करो रिकॉर्ड पे, तो वो दे सकते हैं परमिशन, और उन्हें लगता है कि नहीं देनी चाहिए तो वो नहीं देंगे। सेक्शन 123 प्रोटेक्ट अनपब्लिश स्टेट रिकॉर्ड फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज। इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिम सैलिस पॉपुली इज सुप्रीमा लेक्स, दैट इज का मीनिंग होता है, ये लैटिन फ्रेज है, इसका मीनिंग है रिगार्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर इज द हाइएस्ट लॉ। The general rule is that the witness is bound to tell the whole truth and produce any document in his profession or power relevant to the matter in issue. But however, in certain case, the production of official document may be injurious to larger public interest. As for instance, it may be harm state in security purpose, good diplomatic relationship, public relation, etc. In such case, the state has been given the privilege not to produce certain document which relate to affair of state. इस मैक्सिम का मतलब है कि जो पब्लिक पब्लिक वेलफेयर है उसको सबसे हाईएस्ट रिगार्ड देने चाहिए, उनके जो भी पब्लिक हित में है वो सुप्रीम है, उन्हीं के जो इंडिविजुअल राइट है वो उसको सुपरसीड नहीं कर पाएंगे, जो पब्लिक वेलफेयर है वो सुपरसीड करेगा। जनरल रूल तो ये है कि जो भी विटनेस अगर आप आते हैं तो आपके नॉलेज में जो भी है जितना भी है मैटर से जो मैटर इन इशू है उससे रेलिवेंट जो भी आपके पास बातें हैं या डॉक्यूमेंट है आप वो सब प्रोड्यूस करनी पड़ती है, ये जनरल रूल है एक विटनेस को। पर सर्टेन केसेस क्या होता है, कुछ ऑफिशियल जो पब्लिक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में वो सही नहीं होंगे, वो इंजूरियस होंगे कुछ पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, तो इस केस में ये प्रिविलेज नहीं दी जाती है कि जैसे कि स्टेट के डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर कुछ ऐसे डिस्क्लोजर हुई वो रिलेशन में इफेक्ट पड़ा या सिक्योरिटी में डिपेंड और कुछ इशू होंगे। अब जो हमारी स्टेट की सिक्योरिटी वो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें उसमें होती हैं, क्योंकि हम सब कुछ अगर डिस्क्लोज कर देंगे तो उसे तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, तो अगर ये सब अगर हम डिस्क्लोज करने लगेंगे कोर्ट में तो जो हमारे रिलेशन है हमारी सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो पब्लिक वेलफेयर खराब होगा, पब्लिक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट खराब होगा एक इंडिविजुअल के चक्कर में। तो ये प्रिविलेज इसलिए दी गई है कि कुछ डॉक्यूमेंट को स्टेट को लिवरेज दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है कि वो उन्हें कोर्ट में ना प्रेजेंट करें, इन देखिए स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ स्टेट से जो रिलेटेड है उन्हें कोर्ट में ना प्रेजेंट किया जाए, वो प्रोटेक्शन उन्हें दी गई है। The privilege under Section 123 should be claimed either by minister or his secretary or by head of department by filing an affidavit. The affidavit has to state the document in question has been carefully read and examined, and the department is satisfied that disclosure would not be in public interest. प्रोटेक्शन है इसमें प्रिविलेज है वो जो मिनिस्टर है और उनके सेक्रेटरी या फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो जब ये केस चल रहा होता है तो एक एफिडेविट फाइल करके बता सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट वो प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा कि ये डॉक्यूमेंट को ओपन कोर्ट में डिस्क्लोज किया जाए या एविडेंस में दिया जाए, इससे पब्लिक का इंटरेस्ट खराब होगा, वेलफेयर खराब होगा, इफेक्ट पड़ेगा, और उसके वो बता सकते हैं कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उनके हिसाब से नहीं अगर नहीं देना चाहिए तो उस एफिडेविट में लिख सकते हैं। इस प्लीडिंग केस लॉ है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। कोर्ट ने कहा था कि डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन पोर्शन डज नॉट रेंडर इट पब्लिश्ड,
फॉर सच पोर्शन मे हैव नो कंसर्न विद स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ स्टेट। और तीन चार प्रपोजिशन दी थी, बहुत अथॉरिटेटिव प्रपोजिशन दी थी इस केस ने। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का केस भी बहुत ज़्यादा है। 1975 में ये फाइल किया गया था और बहुत ही फेमस हुआ था ये केस। तो इस केस में कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फाउंडेशन ऑफ लॉ बिहाइंड सेक्शन 123 इज इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा कहा था, पब्लिक इंटरेस्ट विच डिमांड एविडेंस टू बी विथहेल्ड मस्ट बी वेटेड अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दैट द कोर्ट शुड हैव द फुलेस्ट पॉसिबल एसेस टू ऑल द रेलिवेंट मटेरियल व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट ओवरवेट द लेटर एविडेंस कैन नॉट बी एडमिटेड। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैटर हैज टू बी डिसाइडेड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और उसके बाद लास्ट बात कही थी उन्होंने कि इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द रीजन साइटेड इन द एफिडेविट मैटर एंड्स देयर। समझ में आ रहा है? मैंने ये कहा था कि कॉन्फिडेंशियल, इस केस में ये कहा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर को हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा कि ये कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं है, उन्हीं का जो बात होगी वो फाइनल होगी। और अगर एफिडेविट में जो बातें कही हैं अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि हाँ, और जो रीज़न दिया है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कि नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, अगर इसे डिस्क्लोज कर दिया जाए तो मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है। ये कभी भी कोर्ट नहीं, इसको नहीं बुलाएगी कोर्ट इंस्पेक्ट करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। इसे कहते हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेक्शन 124। मैं आपको बता दूं फिर से, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्री में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑफिशियल सेक्शन के, प्रोफेशनल सेक्शन के, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के जो भी आगे आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या है? नो ऑफिशियल शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसिडर दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर। दिस सेक्शन इज कन्फाइंड टू पब्लिक ऑफिसर वेयर एज सेक्शन 123 एम्ब्रेसेस एवरीवन। तो कोर्ट कैन कंपेल द डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट इफ द कोर्ट डिसएग्री विद द पब्लिक ऑफिसर। इस सेक्शन में क्या ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या है? जो भी कम्युनिकेशन एक पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक ऑफिसर को, उसके पोस्ट के, उसके वर्क के ड्यूरेशन में जो भी उसे ऑफिशियल कैपेसिटी, जैसे कि आप एक आईएएस ऑफिसर या एक आरपीएस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर, तो आपकी इस पोस्ट के कॉन्फिडेंस में, ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी मिलती है, वो कोर्ट कोई भी आपको कंपेल नहीं कर सकता है कि उसे आप कोर्ट में डिस्क्लोज करें जब आप ऐसे विटनेस टेस्टिफाई करते हैं। तो व्हेन ही कंसीडर दैट इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय सच डिस्क्लोजर, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो बातें डिस्क्लोज करने से, वो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट सफर होगा, तो वो कंपेल नहीं कर सकती कोर्ट उसे। और ये सेक्शन जो है वो पब्लिक ऑफिसर से कन्फाइंड। आपने देखा सेक्शन 123 था, उसमें कोई भी मिनिस्टर हो, उसके सेक्रेटरी हो, डिपार्टमेंट कोई भी कर सकता है, पर इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसर्स है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, जब कोर्ट में ये बातें कही जाती, पब्लिक ऑफिसर कहता है कि ना इट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट की जो पब्लिक वेलफेयर विल बी सफर, नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए चीज़ें, मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। और अब कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये जो उसकी रीजनिंग है, जो ये बातें कह रहा है वो सही नहीं है, तो वो डिसएग्री कर सकता है और कंपेल कर सकता है पब्लिक ऑफिसर को डिस्क्लोज करे उस बात को। जब कोर्ट को लगता है कि नॉर्मल पर्सन का राइट टू इंफॉर्मेशन उनकी एक राइट है, उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे है कैसे नहीं, तो स्टेट कैन नॉट विथहोल्ड द इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड दैट कि ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, नहीं कर सकते, पर उसके लिए एक अच्छा खासा रीजन होना चाहिए। तो यही इतना है ऑफिशियल, इनको प्रिविलेज दी जाती है इनके कम्युनिकेशन को सर्टेन कंडीशन में। अब है सेक्शन 125, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफिस। नो मजिस्ट्रेट ऑफ पब्लिक ऑफिस शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक रेवेन्यू।
अब इस सेक्शन में क्या है, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी का, जो कोई ऑफेंस होता है, अगर जहां से उनको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मिली या इन्फॉर्मेशन मिला, कहीं से भी नॉलेज मिली, किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्मर है या जनरल पब्लिक है, किसी ने भी इन्फॉर्म किया, तो कोई भी मजिस्ट्रेट और पब्लिक ऑफिसर नहीं कंपेल किए जा सकते कि उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि ये क्राइम हुआ है या होने वाला है, किसने उनको इन्फॉर्मेशन दी, ये वो क्लेम नहीं कर सकते, वो नहीं कंपेल कर उनको किया जा सकता है बताने के लिए। और ना ही अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर है तो उनको, अगर उसने कहीं पर रेड मारी है, कहीं छापा मारा है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है, कहाँ रखी है, और वो रेड मारते हुए मिलती है, तो उन्हें कभी भी कंपेल नहीं किया जाना चाहिए कोर्ट में कि कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली। जो ये सेक्शन है इज इंटेंडेड टू इनकरेज पीपल टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑफेंस बाई प्रोटेक्टिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और अदरवाइज नो वन वुड लाइक टू गिव सच इन्फॉर्मेशन। ये सेक्शन प्रिविलेज इसलिए दी गई है इस कम्युनिकेशन को, क्यों प्रोटेक्शन दी गई है, जहाँ की कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला, किसने दिया आपको, कितने बजे आए, ये सब इसलिए प्रिविलेज है, प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर लोग अगर बताएंगे नहीं, कि लोगों की अगर आइडेंटिटी छुपाई नहीं जाएगी, किसने आपको इन्फॉर्मेशन, किसने आपको इन्फॉर्मेशन दी, तो लोग आगे ही नहीं आएंगे ना, लोग आगे ही नहीं आएंगे, बता नहीं आएंगे। अब पानी किसी को पता चल गया कि इस पर्सन ने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दी को, जाके कोर्ट या मजिस्ट्रेट को, जिसको भी दी, तो बाद में वो निकल पाए, उससे दुश्मनी निकाल सकता है, उसको मार भी सकता है, तो क्यों फिर जनरल पब्लिक क्यों देगी आपको हेल्प, क्यों करेगी, नहीं करेंगी, कि मैं उनकी तो प्रोटेक्शन ही नहीं, उनको पता चल जा रहा है कि इसने क्या इन्फॉर्मेशन दी, अगली बार से तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। तो ये इंकरेज करता है जनरल पब्लिक को कि आगे आइए, और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में और नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कहाँ क्या क्राइम हो रहा है, कि जनरल जो पब्लिक है और इन्फॉर्मर है बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट है हमारे जस्टिस सिस्टम के और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के, उनके बिना नहीं होगा, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं पहुँच सकती है, हम हर जगह नहीं पहुँच सकते, तो ये हमारे आँख और कान है हमारी सोसाइटी में, तो अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो हमारा काम भी नहीं होगा। इट इज वेल एस्टेब्लिश दैट द पुलिस में सरपास आइडेंटिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉम्बेटिंग क्राइम। ये अक्सर आप देखे होंगे कि पुलिस कभी भी अपने इन्फॉर्मर्स का नाम नहीं बताती है, एक्चुअली जो बहुत बल्क वाला वर्क है पुलिस का, वो उनके इन्फॉर्मर करते हैं, उनके आंख और कान होती हैं जो हर जगह मौजूद होती है, वो उन्हें चीजें आके बताती हैं। अब हरकुलिन कोई भी सुपरमैन तो है नहीं पुलिस, नॉर्मल ह्यूमन बींग, उनकी भी कुछ लिमिटेशन है, तो जो इन्फॉर्मर है, जनरल पब्लिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसलिए उनका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मजिस्ट्रेट और पब्लिक ऑफिसर को प्रिविलेज दी गई है कि आप उनका नाम गुप्त रख सकें। मुझे लगता है ये समझ में आपको आ गया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी वकील हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, और जो उनके क्लाइंट हैं, उनके लिए जो ये सुन रहे हैं वीडियो, जो देख रहे हैं ये वीडियो, जो अगर लॉयर है तो देखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 126 क्या कहता है, नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम बाई और बी ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट or any advice given by him to his client in the course and for the purpose of employment। इसमें गौर करिएगा, in the course and for the purpose of his employment। अभी मैं आगे explain करूँगी। State consent to state the content or condition of any document which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment। Third, disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of his employment। देखिए अब ये क्या कहता है, ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी बैरिस्टर, वकील, अटॉर्नी है, वो उन्हें परमिशन नहीं दी जाएगी कोर्ट में अनलेस उनका क्लाइंट एक्सप्रेस, इम्प्लाइड भी नहीं, एक्सप्रेस कंसेंट देता है कि जो भी कम्युनिकेशन हमारे बीच में हुई या उनके बीच में, उनके क्लाइंट के बिहाफ में जो हुई और जो एडवाइस दी है लॉयर ने किसी क्लाइंट को, इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इनका कोर्स क्या है, इनका और पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के लिए, अगर वो उनसे एडवाइस फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसने दी है और उन्होंने ली है, तो उनके कंसेंट से ये डिस्क्लोज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है।
अगर क्लाइंट कहता है कि ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको दी, जो भी कंडीशन मैंने आपको डॉक्यूमेंट में बताई है, और जिससे इन द कोर्स ऑफ इज एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में जो लॉयर को पता चलती है जब वो उनसे एडवाइस दे रहे होते हैं या उनका केस लड़ रहे होते हैं, तो आप वो जो डॉक्यूमेंट और कंडीशन में पता चले आप उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं कोर्ट में, अगर क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट देता है तो। और तीसरा क्या है कि क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट देता है डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू क्लाइंट इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट। क्या कोई एडवाइस दी है को लॉयर ने, वकील ने या बैरिस्टर ने अपने क्लाइंट को अपने एम्प्लॉयमेंट पर्पस से, अगर अगर क्लाइंट का एक्सप्रेस कंसेंट है तो आप उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं कोर्ट में, अदरवाइज कंप्लीटली नहीं, नो 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 नहीं कर सकते आप, क्योंकि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। अगर ये नहीं लाया जाएगा तो कोई भी क्लाइंट अपनी पूरी बात कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा, और हर किसी इंसान को राइट, अगर उसने गलत भी किया है तो उसका राइट है डिफेंस का, प्रॉपर अच्छे डिफेंस का, और इस डर से वो कभी भी पूरी डिस्क्लोज बातें नहीं करेगा। पूरी डिस्क्लोज नहीं करेगा अपनी बातें तो प्रॉपरली उसे डिफेंस नहीं मिल पाएगा, अपना केस ढंग से लड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन दी गई है ये बढ़ावा देने के लिए कि क्लाइंट अपनी की सारी बातें अपने वकील को डिस्क्लोज करें। ये प्रिविलेज जो है वो डॉक्टर्स को नहीं मिली हुई है, और किसी और उसमें नहीं मिली, किसी और को नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स को ही मिली हुई है। अब थ्री एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस है देख लेते हैं। कम्युनिकेशन मेड इन फर्दनेस ऑफ इलीगल पर्पस, ये एक्सेप्शन जो आपका दिया हुआ है वो प्रोविजन वन में दिया हुआ है जो सेक्शन 126 से अटैच है। क्या कहता है, सच कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोटेक्टेड वेयर अ क्लाइंट कंसल्टेड अ लॉयर फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग अप ए बिल ऑफ सेल विच वॉज एलिग्ड टू बी फ्रॉडुलेंट। अगर आपने क्राइम कर लिया है तब आप आके कहते हैं कि वकील से कि देखिए मैंने ये क्राइम किया, आप मुझे डिफेंड करिए, तो वो कोई गलत चीज नहीं है। पर अगर आप कोर्ट से ये वकील से ये कहते हैं कि देखिए मेरे पास एक प्लान है, पहले हम धोखे से ये जमीन हथियाते हैं, फ्रॉड पेपर से, फ्रॉड सेल डीड से, उसके बाद इस फ्रॉड सेल डीड जो हमने गलत ली है उस पर आप फिर कोर्ट में केस करिएगा इस सेल डीड पे बेस्ड, तो इस केस में आप डिस्क्लोज करिए, बिल्कुल करिए, आपको कोई रोही रोकेगा कोर्ट में डिस्क्लोज करने से, कोई बैरियर नहीं आप पे। क्राइम और फ्रॉड सिंस एम्प्लॉयमेंट बिगिन, जब आपने लॉयर को इंगेज किया उसके बाद अगर लॉयर कुछ नोटिस करता है कि जो जो क्लाइंट है वो जो क्लाइंट है जब आप जब से आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई है वो कुछ उसका बदला, मतलब कि फ्रॉड आपको नजर आ रही है, मतलब आपको लग रहा है कुछ उसने गलत किया है, जब जब जो आपकी जब इसने एम्प्लॉयमेंट ली तब नहीं था, पर जब आपकी एम्प्लॉयमेंट चल रही थी तब बीच में आपने देखा कि उसने कुछ ना कुछ फ्रॉड किया, कुछ गलत किया है, तो उस केस में क्या होता है कि आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कोर्ट में जाकर। डिस्क्लोजर थर्ड है, डिस्क्लोजर विथ एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ क्राइम, मतलब है कि कंसेंट ऑफ एक्सप्रेस डिस्क्लोजर विथ एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ क्राइम कि भाई हाँ किया है मैंने, एक्सप्रेस कंसेंट दे दी है तुम जाके, और ये क्राइम नहीं है, इस क्लाइंट स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, क्लाइंट अवेयर ऑफ प्रिविलेज है, जो अगर क्लाइंट अपनी एक्सप्रेस कंसेंट दे देता है तो आप कह सकते हैं। चौथा है इंफॉर्मेशन फॉलिंग इनटू द हैंड ऑफ थर्ड पर्सन, इफ ए कम्युनिकेशन इज ओवरहर्ड बाय थर्ड पर्सन ही मे बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज इट, द प्रोहिबिशन वर्क अगेंस्ट द लॉयर बट नॉट अगेंस्ट एनी अदर। फिर बता दूं ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच में ही है, ना कि थर्ड पर्सन। जैसे आपने देखा कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ड्यूरिंग द मैरिज जो कम्युनिकेशन है सिर्फ स्पाउसेस के बीच में होती है, इसमें भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का जो प्रिविलेज है, प्रोटेक्शन है, वो लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच में, अगर कोई थर्ड पर्सन सुन लेता है, उसको ओवरहर्ड कर लेता है, जो भी उसके हाथ लग जाता है वो डिस्क्लोज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिफ्थ है लॉयर सूट अगेंस्ट द क्लाइंट, इफ द लॉयर हिमसेल्फ सू द क्लाइंट फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विस ही मे डिस्क्लोज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एज इज रिलेवेंट टू द इशू। अब द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस सेक्शन कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड, मतलब आपने देखा कि ड्यूरिंग द मैरिज, देखा आपने कि जो भी कम्युनिकेशन हुआ है
ना उससे पहले ना उसके बाद, अगर मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन उनके बीच होता है आप बता सकते हैं, और जो उससे पहले बता सकते हैं। पर इसमें क्या कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, मानिए आप केस हार गए या जीत गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अगर आपकी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट द कोर्स ऑफ आपके एम्प्लॉयमेंट ने आपको क्लाइंट ने जो भी बातें आपको कही हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं, वो कॉन्फिडेंशियल हमेशा के लिए रहेंगे, वो प्रिविलेज उनका प्रोटेक्शन हमेशा के लिए रहेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे ए क्लाइंट सेज टू ही बी अटॉर्नी, आई हैव कमिटेड फॉर्ज एंड आई विश यू टू डिफेंड मी। एज अ डिफेंड और डिफेंस ऑफ मैन नोन टू बी गिल्टी इज नॉट ए क्रिमिनल पर्पज, द कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। अभी क्या है कि ए है, वो उसने एक फॉर्जरी की, फॉर्जरी पता है मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लगाया, फेक किया, और आके कोर्ट से जाके लॉयर से कहता है कि देखिए मैंने सच में ये काम किया है, मैंने फॉर्जरी काम किया, मुझे लगता है कि मैं फंसने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा केस लड़िए। तो अब जो डिफेंस है, अब हमारे कोर्ट में क्या प्रोबोनो है कि जब तक इन गिल्टी प्रूव ना हो जाए, इंसान इनोसेंट होता है, एक्यूज एक्यूज नहीं होता जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए। और अगर कोई इंसान ने गलत काम भी किया है तो वो अपने डिफेंस कर सकता है, जो लॉयर उसे डिफेंस करता है वो कोई क्राइम नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में जो उनके बीच कम्युनिकेशन होगी कि हाँ मैंने किया, बताया क्या 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 फॉर्जरी किया, किस डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी की, किस डिपार्टमेंट में किया, किसके साथ की, कहाँ की, ये सब प्रिविलेज हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है, ये नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता है कोर्ट में। एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन दिए हैं उनके अलावा इन्हें फोर्स नहीं किया जाता है। बैरिस्टर एक अटॉर्नी या आप लीडर अपील को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। दूसरा ये एक्स है, एक क्लाइंट है, बी से कहता है कि मैं आई विश टू ऑब्टेन पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाई यूज ऑफ फर्स्ट ड्राफ्ट डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू सू। दिस कम्युनिकेशन बींग मेड इन फर्दनेंस ऑफ क्रिमिनल पर्सन इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। अब समझ में आया कि कम्युनिकेशन मेड इन फर्दनेंस ऑफ लीगल पर्पस क्या है, कि एक्स है वो वाई के पास जाता है, वाई एक्स क्लाइंट है, वाई एक लॉयर है, उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक फर्स्ट डीड, एक प्रॉपर्टी को मैं फर्स्ट डीड से हासिल करूँ, उसके बाद मैं हासिल करूंगा, उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप इस फर्स्ट डीड पे कोर्ट में केस करें कि ये प्रॉपर्टी तो मुझे बिलोंग, मेरी क्लाइंट को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे क्या है कि उसने क्राइम किया नहीं है, वो चाहता है, उसका इलीगल पर्पस है कि पहले आप वो एक क्राइम करेगा, उसके बाद आप उस क्राइम पे उसका प्रोटेक्ट करिए, डिफेंस करिए उस लॉयर का। तो ये गलत है, ये तो फर्दनेंस ऑफ इलीगल पर्पस है, और इसे जो लॉयर है वो बिल्कुल डिस्क्लोज करेंगे कोर्ट में, कर सकते हैं, उन पर कोई बार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स बीइंग चार्ज्ड विद एम्बेजलमेंट रिटेन बी एन अटॉर्नी टू डिफेंड हिम इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग। ए ऑब्जर्व बी ऑब्जर्व दैट एन एंट्री हैज बीन मेड इन वाइज अकाउंट बुक अकाउंट बुक चार्जिंग एक्स विद सम सेड टू हैव बीन एम्बेजल्ड which entry was not in the book at the commencement of his employment. These being a fact observed by Y in the course of his employment, showing that a fraud has been committed since the commencement of proceeding, it is not protected from disclosure. इसमें एक एक्स है, क्लाइंट है, वाई के पास जाता है, वो जो एक अटॉर्नी है, वो एम्बेजलमेंट के क्राइम में उसे फंसा है वो। तो जब उसने अटर्नी को हायर करता तो जो वाई है वो गौर करता है कि कुछ जो अकाउंट बुक में कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो एक जो एक्स के नाम पे हैं और जिस पे उसको चार्ज लगा हुआ है, जब वो एंट्री तब नहीं थी बुक में जब उसका एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आया था, ये फ्रॉड उसके बाद कमिट किया गया जब उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए उसने हायर कर लिया था, और जो फ्रॉड इसने किया है वो एम्प्लॉयमेंट अटर्नी को हायर करने के बाद किया है। तो ये क्या है, क्राइम और फ्रॉड सिंस एम्प्लॉयमेंट बिगिन, और ये जब एम्प्लॉयमेंट बिगिन उसके बाद कोई क्राइम और ये फ्रॉड कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है कि अपने अकाउंट की बुक में एंट्री कर दे रहा है जो पहले से एंट्री नहीं थी सम्स के लिए। तो इसको बिल्कुल भी बिल्कुल ही लॉयर जाके कोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते हैं, इन पर कोई बार नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसे कम्युनिकेशन को कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मीन्स ए कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल दैट इज लॉयर एंड हिज क्लाइंट मेड टू
लॉयर इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज एन एडवाइजर. द प्रिविलेज अटैचिंग टू कॉन्फिडेंशियल प्रोफेशनल डिस्क्लोजर इज कन्फाइंड टू केस ऑफ लीगल एडवाइजर एंड नॉट प्रोटेक्टेड टू दोज मेड ऑन क्लर्गीमैन, डॉक्टर एटसेट्रा. फर्दर, नो प्रिविलेज अटैच टू कम्युनिकेशन टू एन अटॉर्नी और प्लीडर कंसल्टेड एज ए फ्रेंड, नॉट एज एन अटॉर्नी और प्लीडर. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का एक प्रोफेशनल उसके क्लाइंट के बीच में जो उसकी जो भी बातें हुई इन द कोर्स ऑफ एंड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बस वही एज ए लीगल एडवाइजर. और जो ये प्रोटेक्शन मिली है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को, वो सिर्फ और सिर्फ लॉयर को ही मिली है, लीगल प्रोफेशन में मिली है, ना कि किसी डॉक्टर को, क्लर्गी में, किसी को नहीं मिली है और नहीं मिलेगी. और अगर आपने किसी अटॉर्नी को एज ए फ्रेंड कंसल्ट किया है, नॉट एज एन अटॉर्नी और बैरिस्टर और लॉयर, तो वो भी प्रोटेक्शन वहाँ पे एक्सटेंड नहीं होती है. सिर्फ और सिर्फ अगर आप एज ए लॉयर, एज ए प्रोफेशनल क्लाइंट मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, तभी प्रोटेक्शन अवेलेबल है. द प्रोहिबिशन एक्सटेंड टू ऑल द कम्युनिकेशन, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, मेड इन कॉन्फिडेंस, pertaining to any pending on contemplated cases or for the purpose of soliciting professional advice. वो हर का मतलब oral भी है और documentary दोनों के लिए ही, दोनों communication के लिए ही protection है. Explanation 2 to section 2126 contain the rule, once privileged always privileged. Thus, if the communication is made during the existence of relationship, the privilege does not get terminated by termination of litigation or the death of the party. मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का जो प्रिंसिपल है जिसपे बेस्ड है, वो ये कहना चाहता है कि वंस ए प्रिविलेज इज ऑलवेज, अगर एक बार वो प्रिविलेज प्रोटेक्शन उसको मिल गई तो हमेशा ही मिलेगी, और आपका लिटिगेशन खत्म हो जाए या आपकी पार्टी डाइड हो, मर जाए, जो आपकी पार्टी इसके लिए आप केस लड़ रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हुई एज ए लॉयर और एज ए क्लाइंट, एज ए लीगल एडवाइजर और एज ए क्लाइंट, वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाती, वो हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड हो गई है, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन दिए गए हैं उनमें, उनके हिसाब से. तो चलते हैं आगे. तो ऑब्लिगेशन कंटिन्यूज आफ्टर एम्प्लॉयमेंट हैज की, ये भी बताया मैंने आपको कि जरूरी है, जो भी ड्यूरिंग द कोर्स और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी कम्युनिकेशन हुई आप दोनों के बीच में एज ए लीगल एडवाइजर और एज ए लॉयर, वो हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो गई, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, आप केस हार जाए या जीत जाए उससे मैटर नहीं है, जब तक आप लोग जिंदा है तब तक वो प्रोटेक्टेड है. और सेक्शन 126 से ही रिलेटेड सेक्शन 127 है, 128 है, 129 है. अब सेक्शन 127 वो एक्सटेंडेड पार्ट है, वो कहता है कि सेक्शन 126 में जो भी रिस्ट्रिक्शन है बार है, वो इंटरप्रिटेटर को, क्लर्क और सर्वेंट ऑफ बैरिस्टर को भी एप्लीकेबल है, वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते. सेक्शन 120 कहता है कि प्रिविलेज नॉट वेट बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, अगर आप कोई चाह रहा है जाके खुद ही विटनेस बन गया कि नहीं हम कहेंगे जाके कि मुझे डिस्क्लोज करना है. Section 28 lay down that if the party making the communication under Section 126 give evidence at his own instance or otherwise of the matter covered by the communication, that does not amount to waiver of privilege. Even if such party calls a lawyer as a witness, it will not amount to consent to disclosure. But if he questioned the lawyer on the very matter of the communication, and that he will amount to consent and reason, and by reason of it, the lawyer can disclose the communication. ये कहना चाह रहा है कि अगर वो पार्टी कोई वॉलंटरी कहता है कि नहीं मुझे विटनेस बनना है, मुझे एविडेंस देना है, तो ये मतलब नहीं होता कि जो भी प्रीवियस कम्युनिकेशन दोनों के बीच वो डिस्क्लोज करना चाहता है. और अगर वो लॉयर को भी बुलाता है कि आप ऐसे टेस्टिफाई करिए, एविडेंस दीजिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो फिर भी कंसेंट कर रहा है कि जो कम्युनिकेशन हमारे बीच हुई खुली है आप उनको बताइए. पर अगर वो ड्यूरिंग द जब एविडेंस दे रहा होता है और उससे वो क्वेश्चन पूछता है जो बहुत वही जिसको प्रिविलेज प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो तब उस केस में ये माना जाता है कि उसने कंसेंट दे दी है और लॉयर तब डिस्क्लोज कर सकता है कि उन दोनों की जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन थी वो उन्हें डिस्क्लोज कर सकता. पर तभी हो सकता है जब क्लाइंट जो है, पार्टी जो है, वो खुद उनसे उन मैटरों पे क्वेश्चन पूछे, अदरवाइज नहीं. खुद ऐसे टेस्टिमनी देने आने के लिए उसका ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने कंसेंट दे दी है कि आप ब्रीच कर दीजिए. सेक्शन 129 क्या बोलता है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर. No one shall be compelled to disclose to court any confidential
कम्युनिकेशन विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल एडवाइजर. बट वेन ए क्लाइंट ऑफर हिमसेल्फ एज ए विटनेस ही मे बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज सच कम्युनिकेशन एज मे अपीयर टू कोर्ट नेसेसरी टू नो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एनी एविडेंस विच ही हैज गिवन बट नो अदर. जब ये कोई भी जब क्लाइंट अपनी लीगल एडवाइस लेता है तो कोर्ट कोई भी कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती उन्हें कि आपने क्या लीगल एडवाइस ली है और उन्होंने क्या लीगल एडवाइस आपको दी है आप डिस्क्लोज करें. पर अगर विटनेस पार्टी अपने आप को ऐसे विटनेस सबमिट करती है कि हमें टेस्टिफाई करना चाहती है उस वक्त फिर कोर्ट के पास पूरा राइट होता है आपको कंपेल करने का कि आपकी क्या बात हुई थी. अगर आपने कुछ जो एविडेंस दिए हैं उन्हें उसको कंपेल कर सकती है हाँ क्या आपको एडवाइस मिली थी बताइए उस मैटर पे उस एविडेंस के रिलेटेड. अदरवाइज नहीं कर सकती है. तो आई होप आपको समझ में आज क्या हो कि व्हाट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन. प्रिविलेज कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसको प्रोटेक्शन मिली होती है. अदरवाइज जनरल रूल तो ये होता है कि एक विटनेस को जो भी पता होता है जो भी उसकी नॉलेज में है मैटर ऑफ फैक्ट है या जो मैटर रेलिवेंट है मैटर इन फैक्ट मैटर इन इशू के उनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज उनके पास है आप उन्हें दीजिए कोर्ट को दीजिए. पर कुछ मैटर और डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में और स्टेट इंटरेस्ट में और उन्हीं मैटर को वो देख लो कभी कंपेल नहीं किया जा सकता. कोर्ट कभी कंपेल नहीं कर सकती विटनेस को या फिर विटनेस अगर विलिंग है कि नहीं मुझे तो देनी है मैं तो दूंगा पर तब भी उसे डिस्क्लोजर के लिए परमिशन नहीं दी जाती है. और सच कम्युनिकेशन को प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ एविडेंस में लॉ ऑफ एविडेंस में कि कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कोई आपको इश्यू हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.